जय श्री महाकाल। दोस्तों, कुछ समय पहले से चयन सिंह जो कि दुर्लभ कश्यप का करीबी दोस्त था, जो कि आज के समय में सुर्खियों में बना हुआ है, और आज के समय में चयन सिंह के ऊपर एक नया आरोप भी लगा है कि उसी ने इंदौर का हिस्ट्री सीटर अनिल दीक्षित को गोली मारा। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आखिर पूरा का पूरा मामला क्या है। और आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे एक शायरी याद आ रहा है, तो चलो यार शायरी सुनना ध्यान से। दरअसल ये शायरी मुझे इसलिए सुनाना पड़ रहा है क्योंकि चयन सिंह जिस सिद्धांत पर चल रहा है तो कहीं ना कहीं चयन सिंह से ये शायरी मिलता जुलता है। तो डार्लिंग एक दिन इतना बड़ा काम कर देंगे, डार्लिंग एक दिन इतना बड़ा काम कर देंगे कि हम अपने दुश्मनों का जीना हराम कर देंगे। तो आज के समय में आपको बता दें कि चयन सिंह जो कि फरार चल रहा है, तो चयन सिंह के बारे में बताया जाता है कि वो आज के समय में जिस तरह का काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों को आश्चर्य में डाल करके रखा हुआ है। दरअसल बताया जाता है कि हाल ही में इंदौर का अनिल दीक्षित जिसे कि गोली मार दिया गया, और अनिल दीक्षित जो कि आज के समय में इस दुनिया में नहीं है, तो अनिल दीक्षित के मरने के बाद अब क्या क्या हुआ थोड़ा वो भी आप लोग जान लो, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को कोई ना कोई नया खबर दूँ। तो पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को बहुत कुछ बताया था, अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो देख लेना। तो चलो आगे बताते हैं कि आखिर अनिल दीक्षित के कांड के बाद होता क्या सब है। दरअसल बताया जाता है कि जब अनिल दीक्षित को मार दिया जाता है तो मारने के बाद चयन सिंह और उसका दोस्त सानू सागर दोनों फरार हो जाता है, और बताया जाता है कि ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से उन लोगों को धमकी देने लगता है जो कि अनिल दीक्षित के पक्ष में गवाही देने का कोशिश कर रहा था। तो बताया जाता है कि चयन सिंह जो कि हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर एक्टिव भी था, और बताया जाता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हाल ही में उन्होंने कुछ लोगों को धमकाया भी था, और बताया जाता है कि उन लोगों ने धमकाने के लिए फेसबुक मैसेंजर का भी यूज़ करा था। तो हालांकि बता दें कि आज के समय में चयन सिंह और सानू सागर दोनों फरार है, लेकिन इसके बाद जो एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, अपडेट यह है कि बताया जाता है कि चयन सिंह और सानू सागर दोनों के ऊपर 30,000 का इनाम रखा गया है। यानी कि ये बताया जा रहा है कि इंदौर पुलिस का ये कहना है कि जो कोई भी चयन सिंह और सानू सागर का पता बताएगा उस बंदे को 30,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि आज के समय में ये लोग इनामी बदमाश भी बन चुका है, और आज के समय में चयन सिंह जो कि फरार है, लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि चयन सिंह और सानू सागर के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कि इस कांड में शामिल है। तो फिलहाल आपको बता दें कि अनिल दीक्षित हत्याकांड के मामले में चयन सिंह जो कि फरार चल रहा है, और वो खुली धमकी दे रहा है लोगों को, कह रहा है कि जो कोई भी इस कांड के मामले में किसी को भी कुछ बताएगा उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि चयन सिंह जो कि आज के समय में कितना ज़्यादा बेखौफ है, बिल्कुल भी उसके अंदर डर नहीं है। और देखो, इस वीडियो के माध्यम से ऐसा नहीं है कि मैं चयन सिंह का समर्थन कर रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत चीज़ है, और चयन सिंह को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अगर चयन सिंह ने इस काम को करा होगा तो इंदौर पुलिस ने जो हाल ही में इनाम का घोषणा करा है उसमें भी 30,000 का इनाम, तो आप सोच सकते हो कि अगर किसी को पता चलेगा तो वो तो पक्का बता देगा भाई, एक रुपये के लिए आदमी कितना नीचे गिर जाता है, और बात है 30,000 का। तो कहीं ना कहीं पुलिस वाले भी ढूंढ रहे हैं, और जो लोभी लोग होंगे वो लोग भी ढूंढ रहे होंगे कि भाई चयन सिंह मिल जाए, उसका पता मिल जाए, और उसके बाद हम पुलिस वालों को बता देंगे, 30,000 रुपया भी मिल जाएगा फ्री का। तो फिलहाल चयन सिंह जो कि अभी फरार चल रहा है, और देखते हैं कि आखिरकार चयन सिंह का गिरफ्तारी होता है या नहीं होता है, और ये भी अभी देखना बाकी है कि आखिरकार अनिल दीक्षित को सच में चयन सिंह ने ही मारा है, या फिर अभी फिलहाल ये हवाई फायरिंग चल रहा है कि भाई सच में चयन सिंह ने ही ऐसा करा। तो फिलहाल देख लेते हैं कि आगे होता क्या है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा कुछ तो कहना है नहीं, मैंने आप लोगों को एक अपडेट दिया कि आखिर चयन सिंह के ऊपर अभी क्या क्या चल रहा है, चयन सिंह के साथ क्या क्या हो रहा है, और फिलहाल अनिल दीक्षित हत्याकांड के मामले में जो भी नया नया खबर था वो भी मैंने आपको बता दिया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करना, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ आप लोगों से एक बात और कहना था कि देखो, जब तक कि मेरे चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं हो जाता है तो तब तक जो है सो बहुत सारा वीडियो चैनल पर आएगा, और आप लोगों से निवेदन है कि हमेशा आप लोग एकदम अलर्ट रहा करो, जब भी कोई वीडियो आता है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट किया करो, और दोस्तों से शेयर भी किया करो, और यदि आप अब तक सच में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। आशा करता हूँ कि आप लोगों की कृपा से बहुत जल्द हम 1 मिलियन को भी टच करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय श्री महाकाल। दोस्तों मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपराध और अपराधियों से हमेशा दूरी बनाकर रखो।